हमारे चैनल पर एक बार से तो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जो हमें प्यार दिखाते हैं और जो रोजाना हमारे वीडियोस को आके देखते हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ऐसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल, आज की जो वीडियो लेकर इस वीडियो का नाम है इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स माइंड सेट, देखने वाले हैं कितना तेज है दिमाग, मतलब क्या सोचते हैं वो पाकिस्तानी बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडियन बच्चे पाकिस्तान, वो देखने वाले हैं, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे उस पर, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो करने तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये जो इंडियन बच्चे ने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे ने बात की है तो मैं तो बिल्कुल भी इस बात से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमें उनसे लड़ना चाहिए। इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगते हैं आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं? आपके खाने सेम हैं, आपकी जुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज सेम है, इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंड सेट डेवलप करने की वजह क्या। तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ रहता था वहाँ पर, वो मेरे साथ रहता ज़रूर था बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन के वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बच्चों के जहनों में ये बात ऐड की जा रही है कि इंडिया से हमारा सिर्फ रिश्ता ही दुश्मनी का है, जबकि अगर हम आज से 70-75 साल पीछे चले जाएँ तो हम एक ही मुल्क था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनम, जो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। आज हम एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे इंडिया के बच्चों के हवाले से और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से, कि इंडिया के लोग जो हैं वो अपने बच्चों का कैसा ब्रॉटअप कर रहे हैं, उन्हें क्या सिखा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के बच्चों को हम जो है क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से। तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के एक माइंडसेट की छोटी सी वीडियो दिखाने वाले पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अली। मेरा नाम साकिब है। एहतिशाम जफर। डॉक्टर अली, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से, कि इंडिया अपने लोगों को, अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में क्या सिखा रहा है और क्या बता रहा है, और हम अपने बच्चों को इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं, कैसा उनका माइंड सेट रेडी कर रहे हैं, वो वीडियो देख कर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जी श्योर। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश होगा पाकिस्तान? मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए खत्म, होनी खत्म होनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए आपस, नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज में भी, मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई है कि हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन। आई डोंट नो, मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता जो इस वक्त हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हालात हैं, बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो आपने वीडियो दिखाई ये 100% ट्रू है। आई हैव बीन विद इंडियन पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, दे आर रियली लवली पीपल एंड आई रियली मिस देम, आई ऑफन टॉक विद देम, मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है, बट मुझे ये देख के बिल्कुल हैरानगी हो रही है। और मैं बल्कि आपके इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि ये चीज़ अवेयरनेस इस तरह से होनी चाहिए, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, इस लड़ाई में, इस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जब उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको हैरानगी होती है कि देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगते हैं आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं, आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है,
आपका सोचने का अंदाज सेम है, इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या, और इसके अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बायलेटरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। ये एक तरफ से भी अगर कोई भी ऐसी चीज हो कि इसकी जैसे अब आपने इनिशिएटिव लिया, इंडिया के बच्चे वो अच्छी सोच कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क ही होगा और हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं हमारी इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बिता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं बिल्कुल, ये तो आप बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया होता जो आप उनको मीडिया के जरिए या टीवी चैनल्स पे या जो नैरेटिव आप डेवलप करते हैं या जो उनको बात सिखा दी जाती है वो वही बोलते हैं। बट जब वो यही जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एज में होता जो आपने वीडियो दिखाई है तो शायद मैं भी यही तासुर देता कि इंडिया इज़ आवर एनिमी। बट जब मैं अक्रॉस द बॉर्डर आई हैव अ फॉरेन एक्सपीरियंस, वही ना ग्राउंड रियलिटी देखो तो पता चलता है, मेरा एक्सपोजर हुआ, मैं उन लोगों से मिला, और ये नहीं कि आपने तो ये वीडियो दिखाई बट द सेम थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल। सर मेरे खुद बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं मेरा जिनसे बहुत ज़्यादा रबता है, मोस्टली मेरा उनसे अक्सर मतलब आप कह लें कि वीक में दो चार बार रबता होता रहता है, और कभी भी ऐसी सोच ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली, और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि हमने छोटे छोटे दिमागों में नफरत ज़्यादा नफरत भर दी है। जी बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और इवन के मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसका सिर्फ जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, इसका जिम्मेदार इंडिया भी इस लिहाज से है कि अगर मैं किसी दोस्त से अपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करता हूँ तो समटाइम्स सम पीपल आर अफ्रेड एज वेल इन इंडिया कि वो डरते हैं कि आई एम टॉकिंग टू अ पाकिस्तान पर्सन और मैं पाकिस्तान नंबर से बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेज ना भुगतने पड़े। इफ़ आई आस्क देम फॉर सम हेल्प, अगर मैं बेसिकली मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखता हूँ, देयर आर अ ब्रिलियंट मेडिकल आर्किटेक्चर्स अवेलेबल इन इंडिया, मेडिकल हब है इंडिया, बिल्कुल मेडिकल हब है, और आपकी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मुझे कुछ सर्विसेज की ज़रूरत थी कि जो इंडिया के अंदर बहुत हाई क्लास पाई जाती है। आई टॉक विद मैनी कंपनीज, और ये सिर्फ बात यहाँ पे आके मैं हैरान होता था कि वो सिर्फ इस चीज़ से परेशान है कि यार पाकिस्तान के साथ जो है ना वो हम बिजनेस नहीं कर सकते या हम इस तरह की बात, बट इट्स नॉट अ थिंग। बट मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई कि ये चीज़ें बेसिक हमारे इंडिया में ये चीज़ कम पाई जाती है, बट ये चीज़ बायलेटरल है, इंडिया की तरफ से भी ये प्रेशर उनकी आवाम के ऊपर होता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। अगर ये बेशक ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, बट उनकी उनकी जो गवर्नमेंट नैरेटिव के हिसाब से जो उनका लाया मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया भी इसी चीज़ की जो है वो प्रमोट करता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। आप उनके मोस्टली सोशल मीडिया या आप उनका डिजिटल मीडिया उठा के देख लें या प्रिंट मीडिया भी उठा के देख लें, उसके अंदर कभी भी पाकिस्तान के साथ अमन या दोस्ती की बात नहीं की जाती। बट अब हमने ये नफरत ख़त्म कैसे करनी है, अपने बच्चों के दिमागों में जो गंद हमने डाल दिया है वो निकालना कैसे? वो इसी तरह से ही हो सकता है कि कोई ऐसा दिलेर आदमी या कोई ऐसा जिदार शख्स निकलता है इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी जो इस चीज़ का इनिशिएटिव लेता है कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है और एक बायलेटरल फोरम्स के ज़रिए जो है वो एक कम्युनिटी बना के इस चीज़ को, ये हम किसी फॉरेन कंट्री में भी ये चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ नॉट अ रिफ्रेंडम बट अ काइंड ऑफ द थिंग कि आप दोनों कंट्रीज़ की आम आवाम क्या सोच रखती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी कंपेन कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आई लाइक दिस कंसेप्ट, मैं बिल्कुल चाहता हूँ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स एंड आई लव देम एंड आई रियली मिस देम। मैम ये जो वीडियो देखी है मैंने, इससे रिलेटेड मैं ये बात कहूँगा क्योंकि मैं पूरा 1.5 साल UAE में रह के आया हूँ और इंडियंस के साथ रहना था मेरा। बज़ाहिर तो वो हमें शो करवाते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो पैदाइशी तासुब पैदा हुआ है ना, जो एक रिलीजन को लेके बहुत हमारे लिए मायने रखता है। अब मैं वहाँ पे जो तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ रहता था वहाँ पे, वो मेरे साथ रहता ज़रूर था बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन के वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ होता है, उनकी ज़ुबान में जो है ना एक बुरा बुरा माना जाता है। और इस चीज़ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो उनके दिलों में जो एक नफ़रत पैदा की गई हुई है ना, ये जो भी आपने वीडियो दिखाई है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो अपनी एक TRP बढ़ाने के लिए या अपना एक चैनल को प्रमोट करने के लिए कि हम ये जो वीडियो है ना, इसमें जो सेकंड वीडियो पाकिस्तान वाली देखी वो तो मेरे ही चैनल की वीडियो तो है, वो मैंने ही रिकॉर्ड की थी। और हाँ जो दूसरी है वो नेशनल टॉक की वीडियो है और वो भी उन्होंने जर्नल रैंडम एक बच्चे की राय ली हुई है। बिल्कुल ऐसे बच्चे की राय ली हुई है, लेकिन वो बच्चे को जाहिर सी बात है ना कि कोई भी अगर एक वीडियो शूट करता है उससे पहले उसको सिखाता है कि मैं
आपको इस बारे में पूछूंगा तो आपने ये बताया, ऐसा नहीं होता। लेकिन टू बी ऑनेस्टली जो मैं बात बताऊं कि इंडियंस चंद ऐसे लोग हैं सिवाय पंजाबी के, जो अगर वहाँ पे आपको मलवारी अगर मिलेगा या भैया उर्दू स्पीकिंग जो होता है ना, वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ वो अच्छे तरीके से अच्छे बिहेवियर के साथ आप वो नहीं रह सकता। मुझे ये बताएं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं इंडिया के बारे में, अभी आप सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ मुझे इसका जवाब दें। हम लोग अभी इस टाइम जो टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं तो यही चीज़ है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, उनके दिमागों में गाने इंडियंस हैं, उनके दिमागों में इंडियन एक्टर्स हैं, टोटली तौर पे हम लोग इंडिया इंडियन कल्चर के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ है, हम लोग दीन से बहुत दूर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अगर हमें कोई बात भी करता है तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन बेसिक जो चीज़ है हमारे घरों में, जब तक इंडियन गाने चलते रहेंगे हम लोग इंडियन गानों को प्रमोट करते रहेंगे। आप टिकटॉक देख लें, कोई सी भी ऐप ऐसी उठा के देख लें, वहाँ पे सारी प्रमोशन हम किसकी कर रहे हैं, इंडियंस की कर रहे हैं, इंडियन गानों की हम प्रमोशन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम इंडिया को पीछे ना कर। गाने तो फिर पाकिस्तान भी बनाता है आपके, आपको टिकटॉक पर तो पाकिस्तानी गाने भी नजर आएंगे, तो आपको ये फिर अगर इंडियन गाने बैन होने चाहिए तो पाकिस्तानी गानों पर भी बैन लगना चाहिए ना फिर। ऑब्वियसली बैन लगना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो बेसिक चीज़ जो है ना कि हम लोग एक तरफ रिलीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की हम बात कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हीं गानों को लेके उन्हीं कल्चर उसी कल्चर के मुताबिक जो है ना वो हम लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि यार ये हमारे साथ एडजस्ट हो, हम लोग इसके इन लोगों के साथ एक जैसे होके रहें, लेकिन तासुब वहीं पे आ जाता है जहाँ पे मैंने आपको बात बताई, सिवाय इंडियन पंजाबी के जो है ना। मैं तो बच्चों की बात कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बड़ों में भी आपस में जो दिल है काफी ज्यादा मैले हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं वहाँ पे रह के आया, मैंने फेस किया, मैंने इंडियन को फेस किया, मैंने नेपाली को फेस किया। आपका रवैया कैसा था उन इंडियंस के साथ, आपने उनका तो बता दिया, अपना भी बताएं थोड़ा सा। मैं आपको बताऊंगा, मेरा रवैया एक ऐसा रूममेट की तरह मेरे साथ वो रहते थे और मैं उनको भाइयों की तरह ही समझता था। अच्छा। कोई भी काम होता था किसी भी किस्म का वो मैं करता था उनका, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई अपना नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो जौन सी मर्जी नेशनलिटी होल्डर हो, वो कोई किसी का नहीं बनता। लेकिन ये अपने एंड से एक रूममेट की जो होती है ना कोशिश होती है कि यार हम लोग अपने अकोमोडेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से रखें और किसी तक हमारी कंप्लेन ना जाए। क्या बच्चों को दुश्मनी सिखाना सही है? हमारी किताबों में हमारे नस्ल में भी यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि हमने जी इंडिया के दांत खट्टे कर दिए इस जंग में, हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आपको नहीं लगता कि इससे नेगेटिविटी बढ़ती है? जब एक बच्चा स्कूल में जाता है या पैदा होता है तो उसके कान में ये डाल दिया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन मुल्क है। अगर हम इंडिया को दुश्मन मुल्क बताने के बजाय हम साया मुल्क पढ़ाएं और बताएं तो मेरा ख्याल है नफरतें शायद कम हो सकती है, बच्चों का माइंडसेट चेंज हो सकता है। एक्चुअली मैम इसमें आप भी इस चीज़ पे इत्तेफाक करते होंगे कि 1947 से पहले ये एक ही मुल्क कहलाया जाता था, हिंदुस्तान ही कहलाया जाता था। ये तो कायदे आज़म की जिद्दोजहद और मेहनत के बाद हम लोगों में बंटवारा हुआ। और यही चीज़ है कि आप बच्चों की अगर बात कर रहे हैं तो पंजाब के अगर बच्चे देख लें, वो चाहे पाकिस्तान वाली साइड के हैं चाहे वो इंडिया की साइड पे हैं, उन दोनों की सेम ही जो है ना वो आदत है, एक भाईचारा प्यार मोहब्बत, चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक बाय बर्थ जो है ना वो एक नेचर है उनकी कि वो प्यार मोहब्बत के साथ चलने की कोशिश करते हैं। हमारे ये थी आज की वीडियो। तो देखा ये हमने इस वीडियो में दो बंदों की राय हमने यहाँ पे देखी है। सबसे पहले एक डॉक्टर थे, उन्होंने बात की कि मैं जो मतलब इंडिया में जो लोग हैं ना जिनके साथ मैं रहा हूँ, चाइना से वो पढ़ के आए, वहाँ पे चाइनीज मतलब चाइना में जाकर डॉक्टर बन, हाँ डॉक्टर वहाँ से बने, वहाँ पे इंडियंस के साथ ये रहते थे, तो बोल रहे हैं कि क्योंकि उनका मेडिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके वाले से उन्होंने कोई उनसे पूछना था, कोई हेल्प चाहिए थी, तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पाकिस्तान से डरने की उनकी मेन रीज़न भी तो आप जाने ना कि क्या है रीज़न इसके पीछे। रीज़न ये है कि अटैक वहाँ पे, आपको पता है कि वहाँ पे जो ताज होटल था वहाँ पे कितना बड़ा अटैक, उसमें पाकिस्तान का नाम साफ खास तौर पे आया, तब से लोग ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान से डरते हैं, पाकिस्तान के लोगों से डरते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बच्चों के हवाले से बात की गई कि उनकी राय देखी गई, तो लेकिन इंडिया के बच्चे जो उन्होंने दिखाए, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि पाकिस्तान एक लाइक हमसाए के बारे में कि उनकी राय पूछी गई ना बच्चे की, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ही मुल्क होगा, लेकिन जब
पाकिस्तानी बच्चे से पूछा जाए तो एक ना मायूसी सी हुई और अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि देखे एक आध बच्चे होते हैं इन्हें ना वो खबरों में ऐसा देखा हो, या आपको पता है इंटरनेट का आजकल ज़माना है तो बच्चे मोबाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं ना तो गलत आपको पता सोच मन में आ ही जाती है। लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ इतनी ज़्यादा वो इंडियंस देखते हैं, कार्टून आपके वो जो इंडियन थीम वाले कार्टून है वो देखते हैं और भी गाने सुनते हैं। लोग मतलब सुनते तो हैं लेकिन इंडिया को मानना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए। ये अभी ये जो दूसरे नंबर पे थे ये बोल रहे हैं कि गानों पे बैन लगाना चाहिए इंडिया के, वो प्रमोट किए जाते हैं हमारे यहाँ पे। क्या वो लोग आपको आके बोलते हैं कि आप हमारे गाने सुने? उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गाने आपके रिमूव, यहाँ पे मतलब इंस्टाग्राम पे हम कोई यूज़ करते हैं ना इंडिया का सॉन्ग तो वो रिमूव कर देते हैं हमारा साउंड के पाकिस्तान में इनका यूज़ ही ना हो पाए, ठीक है। इस तरह से अगर उन्होंने उनको प्रमोट करना हो तो क्या आपका ही कंट्री उनको मिला? इतनी बड़ी आबादी है, उनकी जनसंख्या है, वहाँ पर वो प्रमोट अपने सॉन्ग्स को करेंगे कि आपके लिए? ये लोग अपने फायदे के लिए उनके सॉन्ग यूज करते हैं ना कि वो इनको बोलते हैं कि हमारे सॉन्ग्स आपको यूज करें। और क्या ये सॉन्ग नहीं सुनते होंगे? इन्होंने बोला है कि सॉन्ग्स पे बैन लगा देना चाहिए, ये कर देना, मतलब खुद लोग सब कुछ करते हैं लेकिन दूसरों के लिए बोलते हैं कि उस पे बैन लगा। लेकिन ऐसे आपको पता है कि बातें से नफरत बढ़ती है एक दूसरे के दिल में अगर ऐसे ही बयान आते हैं, मोहब्बत की देखें जरूरत होती है। क्या इन्होंने बोला है कि जो मतलब नेशन टॉक वाले जो है उन्होंने अगर इंटरव्यू एक बच्चे कराए तो उन्होंने पहले ही उनको सिखा दिया था कि यार तुमने इसे इस तरह से बोलना, मतलब अजीब सोच है एक बंदा, मतलब आपकी सोच है इतनी ज्यादा, मतलब कैसे ये हो सकती है एक बंदे की कि उन्होंने सिखा के उसको? वो तो एक वैसे इंटरव्यू था कि आपने आपकी राय ली जाती है, सिखाया तो किसी को भी वो बोल तो रहे हैं, तुमने सुना नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सिखा के उसको, पाकिस्तान की तरफ से नहीं सिखाया गया लेकिन उनकी तरफ से उनको सिखाया गया, मतलब अजीब सोच है। लेकिन आपको पता ही है कि वहां पे डिफरेंस पता क्या है इस चीज़ का? सिर्फ है कि उनकी बुक्स में सिर्फ साइंस मेडिकल और उनके जो भी सूरत हाल अभी के दौर में चल रही है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके बारे में सब कुछ उनको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सिलेबस जो हमारा है इसमें लिखा जाता है, जो भी मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बुक में है हमारी जिसमें हिंदुओं के साथ नफरत का इस तरह से बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उस वजह से बच्चे जो है ना वो मतलब नेगेटिव माइंड उनका हो जाता है, ऊपर से न्यूज़ में वो देखते हैं सुनते हैं, माँ बाप भी इस तरह से होते हैं वो भी इस तरह से बताने में लगे रहते हैं, तो इस वजह से बच्चों का जो दिमाग है ना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो बच्चे मासूम से होते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा दुख होता है बच्चों के लिए कि आगे वो हमारी न्यू जनरेशन है आने वाली, उनके माइंड में ये चीजें ना डालें, ये डालें कि वो पढ़ लिखे कुछ इंजीनियर बने, आईटी में आगे जाएं, इन चीजों में काम करना चाहिए ना कि नफरत के काम। बिल्कुल, नफरत तो किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती और फायदा अपना ही देखना चाहिए और अच्छी ऐसी पता बर्बादी की बर्बादी पूरी होती है। तो जो जनरेशन मतलब अपने बच्चों पे काम करती है ना, जो उनको आईटी में और जो डॉक्टर आप बनवाए मेडिकल के लिए उन्हें बताएं, वो बच्चे आपको पता है आने वाली जनरेशन जो होती है वो आपके कंट्री का फायदा होती है। तो इस तरह से मेहनत करनी चाहिए बच्चों पे, ना कि उनको इस तरह से बातें बतानी चाहिए, ना वो इस बच्चों मतलब उस बच्चे पे मुझे लगता है जुल्म है ये एक चीज का कि उसको इस तरह से बता के उसका माइंड इस तरह से करना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है ऐसे माँ बाप पे जो बच्चों को इस तरह से नफरत उनके दिलों में डाल देते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, हम तो ये चाहते हैं कि दोनों के जो मतलब बच्चे हैं और जो लोग हैं प्यार मोहब्बत बढ़े और नफरतें दोनों के दरमियान खत्म हो जाए। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी प्लीज बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे एक विनती है प्लीज हमारे पिछले वीडियोज को भी जाकर जरूर देखिए, शेयर कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।